हरिओम, जय गुरुदेव। मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दीपक चौरसिया, अजीत अंजुम, चित्रा त्रिपाठी, सैयद सोहेल आदि 8 पत्रकारों के खिलाफ न्यायालय में केस चल रहा है। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का एक बच्ची के साथ गलत और झूठा वीडियो प्रसारित करने वाले इन पत्रकारों पर पॉक्सो की धारा लगी है, ये आप सब जानते ही हैं। दीपक चौरसिया मई की तारीख पर आए नहीं, जून की तारीख पर आए तो वहाँ न्यायालय परिसर में स्थानीय पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और सवाल किया कि आप यहाँ कैसे। तब दीपक चौरसिया ने कोई जवाब नहीं दिए और मुंह छिपाकर भागे, ये भी आप सबने देखा है। फिर जुलाई में तारीख आई तो दीपक चौरसिया को तारीख के 2 दिन पहले ही हार्ट अटैक आ गया और अस्पताल में भर्ती होने से वे आए ही नहीं। मित्रों, हार्ट अटैक का झूठा बहाना किया हो सकता है क्योंकि रात दिन झूठी बोलते रहते हैं। पूज्य आसाराम जी बापू के मामले में भी हमने उनको देखा है, रात दिन गला फाड़ फाड़ कर झूठ बोलते हुए। और यदि वाकई हार्ट अटैक आ गया था तो ये भी तो साबित करता है कि वे बेचारे अपनी ही करनी से कितने परेशान हो गए हैं। जून की तारीख पर न्यायालय में स्थानीय पत्रकारों का सामना नहीं कर सके तो उसका टेंशन लेकर जुलाई की तारीख पर अटैक आ गया और अब कल बुधवार 24 अगस्त को फिर आ गई उनकी तारीख। अब देखना यह है कि कल दूसरा अटैक आता है या कुछ और होता है। मैं तो दीपक को सलाह दूंगा कि इस बार आप महिलाओं के कपड़े पहनकर आना और एम्बुलेंस में सोते हुए आना तो पड़ेगा ही। कब तक बहाने बनाते रहोगे? पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की तरह आप निर्दोष और निर्भय तो है ही नहीं। निर्दोष बापू जी तो हर हाल में खुश, हर हाल में प्रसन्न रहते हैं। हर परिस्थिति का हंसकर सामना किया है बापू जी ने। आप में इतना दम नहीं है। बापूजी को 9 वर्ष जेल में हो गए आप लोगों के कारण, किंतु उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती और आपको न्यायालय की तारीख से हार्ट अटैक आ जाता है। मेरी सलाह मानो दीपक, और कल 24 अगस्त को आप साड़ी और चूड़िया पहनकर आइए ताकि आपको कोई पत्रकार और संत प्रेमी सज्जन पहचान ना सके। और एम्बुलेंस में सोकर ही आए, क्योंकि यदि गलती से किसी सज्जन पत्रकार की नज़र में आ गए और उसने आपसे विनम्रतापूर्वक, सज्जनतापूर्वक कोई सवाल कर दिया तो हो सकता है आपको फिर वहीं अटैक आ जाए। ऐसी हालत में आपको वो एम्बुलेंस काम आएगी। मैं आपका हितचिंतक हूँ, इसलिए आपको ये सलाह दिए। आप मानोगे ना मेरी बात दीपक? आप कल साड़ी पहनकर एम्बुलेंस में आओगे ना? बस एक और निवेदन आपसे कि आप साड़ी में आइए, चूड़िया पहनकर आइए, एम्बुलेंस में आइए, किंतु शराब बिल्कुल मत पीना दीपक। आप शराब बिल्कुल मत पीना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपका भरोसा नहीं है। देश के एक शहीद की शहादत की खबर भी आपने अपने चैनल से शराब पीकर दी है। करते हो आप ये सब, शराब पीकर ही चैनल पर आ जाते हो एंकरिंग करने। तो न्यायालय में कहीं चढ़ाकर आ गए तो क्या भरोसा आपका? इसलिए मेरी ये भी सलाह जरूर मानना, कल थोड़ा संयम रखना वरना पोल खुल जाएगी। तो ठीक है, और मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस मेरा एक कैमरा कल वहाँ रहेगा जो मुझे दिखाता रहेगा कि आप किस रंग की साड़ी पहनकर आए हो। आपके तो कई रंग है जो आप गिरगिट की तरह बदलते रहते हो, और अब साड़ी किस रंग की पहनकर आते हो वो तो कल ही पता चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।